नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति है प्रभु आनंद दाता। इसमें बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। और आज का जो विषय, मैं सीधे विषय पर ही आता हूं। आज के विषय पर हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है पद। पद यानी पद प्रतिष्ठा वाला पद भी, लेकिन ये पद है क्या? ये पद ओहदा है? ये पद कोई बहुत बड़ी ऐसी शक्ति है जिसके पीछे आप और हम सब लालायित होते हैं? हम सब की इच्छा होती है कि पद प्रतिष्ठा हमको मिले, लेकिन ये पद प्रतिष्ठा है क्या? इसको हासिल करने के लिए ये तो हम सुनते ही हैं कि योग्यता, परिश्रम, इन सब तत्वों का समावेश होना चाहिए, लेकिन क्या ये इन्हीं के लिए बने हैं? क्या इसी दृष्टि से और इसी सोच के साथ हम पद और प्रतिष्ठा को हासिल कर सकते हैं, या पद प्रतिष्ठा का आशय कुछ और भी है जिसे हम शायद ठीक से समझते नहीं हैं? सनातन परंपरा पद को लेकर क्या दृष्टि रखती है? क्योंकि आज की पूरी दुनिया, आज का पूरा संसार जिसको पद ही है वो, लेकिन कहा यही जाता है कि कुर्सी है, कुर्सी यानी पद, यानी पूरा संसार ही जो नृत्य कर रहा है ये मोह रूपी, कामना रूपी, वो उसका ध्येय एक ही है, पद। तो ये पद है क्या साहब? ये पद कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इस पद की दार्शनिक व्याख्या क्या है, ये हम जानेंगे मानस मर्मज्ञ भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम करता हूँ। और आज पद की ये व्याख्या जी, आपने बड़ा सुंदर शब्द का उपयोग किया है शरद जी, पद की दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्या। जी, मैं आपसे सत्य कहूं, यदि पद की दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्या से लोग पुष्ट हो जाएं, संपन्न हो जाएं, तो पद की गरिमा भी बनी रहे और पद की प्रतिष्ठा भी बनी। बहुत अच्छी बात। आज जो पद की गरिमा नहीं है और प्रतिष्ठा नहीं है, वो उसके पीछे मूलाधार हम पद को समझ नहीं पाए। पद सेवा का प्रधान होता है। परमात्मा के विराट स्वरूप की व्याख्या गीता में भी की गई है, परमात्मा के विराट स्वरूप की व्याख्या वेद पुराण में भी की गई है, और परमात्मा के विराट स्वरूप की व्याख्या जो है वो श्रीमद् भागवत में भी की गई है, जिसमें परमात्मा के श्री चरण को सेवा बताया गया है। जी, जो सेवा है वो पद है, वो पद है। जो सेवा है वो पद है। अब देखिए, ये पद शुरू कहां से हुआ, प्रारंभ कहां से हुआ, पद पदारूढ़ कौन हुआ, पद क्या हुआ? चूंकि हम आज आध्यात्मिक और दार्शनिक विषय पर ही विशुद्ध चिंतन करने का मन रखते हैं, तो इसकी एक बड़ी सुंदर बात बताऊं। जी, भरत राम को मनाने के लिए चले। जब चित्रकूट पहुंचे राम को मनाने, तो वहां अनुराग जो है वो प्रत्यक्ष नृत्य करने लगा, भक्ति शरणागत हो गई। गुरु जो है अपना ज्ञान भूल गए, विदेह देह में आ गए। जब राम और भरत मिल रहे हैं, दो तत्व वहां जब मिल रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, राम वनवास में है और पद मिला है किसे? भरत को। तो भरत वहां गए ये पूछने की पद है कहां जो मुझे मिला है? भरत वहां राम के पास पद प्राप्त करने गई है। क्या बात है, क्या बात। तो उनके पास जो उन्होंने कहा कि आप राम हैं, तो आपके राम अक्षर में दो शब्द हैं, रा और मा। तो पद तो रा और मा ही बनेगा ना जी। या आप राम और सीता हैं, तो एक पद राम है, एक पद सीता है। सीता, तो आप मुझे पद प्रदान करिए, तो फिर मैं जाऊं। बिना पद के तो राजा नहीं हो सकता ना। तो मुझे तो पदारूढ़ करिए। तो परमात्मा राम ने उन्हें अपनी चरण पादुका दे दी। पादुका, ध्यान रखिएगा। और जिस दिन से वो पादुका सिंहासन में विराजित हुई, उस दिन से सिंहासन का नाम पद हो गया। जहाँ पादुका विराजती है, सेवा का मूल विरासत है। क्या प्रतीक है? देखिए, राम राज्य की स्थापना जो है पद से हुई है ना। जी जी जी। अब ये पद का दूसरा और उदाहरण देखिए। यही भरत जब मिलने जा रहे हैं, देखिए पद कितना महत्वपूर्ण है। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, जिनके पास पद है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पद मूल रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? परमात्मा राम सीता लक्ष्मण जा रहे हैं, मैया गंगा को पार कर रहे हैं, तो वहां पर सीता गंगा की पूजा कर रही है। केवट का प्रसंग भी वहां वर्णित है।
तो अब आप देखिए, वो तो पूजा कौन कर रही है वहां पर? सीता कर रही है, राम प्रणाम कर रहे हैं गंगा को, लक्ष्मण प्रणाम कर रहे हैं गंगा को, लेकिन जब भरत जी उनकी पदगमन कर रहे हैं, उनके अनुरागी उनके पीछे दौड़ रहे हैं उनको मनाने, तो वो भी गंगा से निकल रहे हैं। तो जब गंगा के पास से निकले तो गंगा प्रकट हो गई। गंगा ने कहा कि प्रभु मेरा कितना सौभाग्य है कि भरत तुम मुझे स्पर्श करते हुए निकल रहे हो, क्यों? पदानुरागी हैं भरत, पदानुरागी, पदानुरागी, पदरागी नहीं है, पदानुरागी है। सुंदर सुंदर, अति सुंदर। तो जब वहां से वो कह रहे हैं तो कह रहे हैं बोलो मैया आपकी क्या अभिलाषा है? तो उन्होंने कहा मैं ये चाहती हूँ बेटे कि तुम मुझसे वरदान मांग लो। देखिए गंगा की तपस्या करके लोग उनसे वरदान मांगना चाहते हैं। गंगा प्रार्थना कर रही है भरत जी से कि बेटे मुझसे कुछ लेते जाओ, सब लोग आते हैं। भरत कहते हैं माँ मुझे तो कोई आवश्यकता नहीं है। फिर ठिटकते हैं थोड़ा, है अगर देना है तो दे दो, धर्म न अर्थ न काम रुचि और नहीं चाहूं निर्माण। मुझे पुरुषार्थ नहीं चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, न मोक्ष चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, न काम चाहिए। तो बोले फिर जन्म जन्म रति राम पद और न कछु वरदान। मेरी जन्म जन्मांतर में जितने भी जन्म हो यदि, तो मेरी अंतर मन की प्रीति भगवान राम के चरणों में रहे, उस पद में रहे। ये पदानुरागी है, ध्यान रखिएगा। एक बड़ी सुंदर कथा बोध सागर में भी आती है कि नारद जी की इच्छा हो जाती है कि जरा ये तो जाने कि पूजनी कौन है, कौन है पूजनी, देखने चले सबसे ज्यादा श्रेष्ठतम पूजनी कौन हो सकता है। जैसे भृगु की इच्छा हुई थी कि किस किस किसको सबसे बड़ा महान माने, वैसी नारद की भी इच्छा हुई। अब नारद ने कहा सबसे सहिष्णु और सबसे कृपालु तो श्रीमन नारायण है, तो मैं उनके पास चलता हूँ, उनसे पूछूंगा। बोले भगवान सबसे श्रेष्ठतम, सबसे ज्यादा कौन है पूजनी? भगवान कहते हैं पृथ्वी विशाला, पृथ्वी देखो कितनी अनंत और विशाल है, ये पृथ्वी बहुत विशाल फैली है। तो नारद जी प्रसन्न हो जाते हैं, अच्छा अच्छा मतलब पृथ्वी ही पूजनी है? बोले नहीं, समस्या है पृथ्वी के साथ। बोले ये चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई है, अनंत समुद्र ने पृथ्वी को घेर रखा है, कब निगल ले? अच्छा 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 अच्छा, बोले आप समझ में आ गया। बोले तो ये समुद्र पूजनी है। बोले नारद अगस्त भूल गए क्या, जो केवल परमात्मा के नाम का चिंतन करके समुद्र का पान कर गए थे? बोले परमात्मा आप समझ में आया, श्रेष्ठतम तो मुनि अगस्त ही हुई है ना। परमात्मा फिर मुस्कुराए, बोले कभी आकाश की तरफ देखा है, जहां विशाल आकाश में अगस्त एक टिमटिमाते तारे से ज्यादा महत्व तो नहीं रखते, इतने हैं अगस्त सप्तऋषियों के समूह, सप्तऋषियों के साथ। तो उन्होंने कहा फिर तो आकाश पूजनी हुआ प्रभु। और परमात्मा ने कहा तुम्हें वामन अवतार याद है? जब भगवान वामन ने विराट रूप लिया था और एक ही चरण में अतल वितल तलातल सुतल महातल आकाश सब दिशाओं को नाप लिया था एक चरण में। बोले परमात्मा का वो पद ही सर्वश्रेष्ठ हुआ ना, वो पद ही पूजनी हुआ। तो बोले लेकिन परमात्मा ने एक पद से ऐसा किया था, तो सोचो परमात्मा के दोनों पद तो तुम्हारे हृदय में है ना। भक्त के हृदय में तो परमात्मा के, तुम जैसे न जाने कितने लोगों के हृदय में है। तो जिनके हृदय में पद परमात्मा की तरह विद्यमान है वो पदारूढ़ होते हैं। क्या बात है, जिनके हृदय में आपने सेवा समर्पण को ध्यान में रख लिया, आज क्या हो गया राग से पद है, आज कुर्सी को पद कहने लगे हैं। ठीक है, कुर्सी पद नहीं है, उसमें रखी हुई वो पादुका पद है जो आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, और पादुका का अर्थ है सेवा। तो जो समर्पण सेवा रूपी चरण पादुका को अपने पूजन का स्थान बनाता है उसी की पद प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा उपनिषद किनको कहते हैं मालूम? आंखों को प्रतिष्ठा कहते हैं। क्या बात है, वाह, आंखों को प्रतिष्ठा कहते हैं उपनिषद। क्या आप देखिए, वाणी को वशिष्ठ कहते हैं, वशिष्ठ कहते हैं बिल्कुल, कान को संपत कहते हैं, ध्यान रखिएगा संपत, कान से श्रवण संपदा आपके पास आती है। तो प्रतिष्ठा तो आंख है ना, अर्थात आप जैसा स्वरूप देखते हैं सचराचर सृष्टि में,
जो संसार आपको दिखाई पड़ता है, अगर आपको राग का संसार दिख रहा है तो आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, लेकिन अनुराग का दिख रहा है, कर्तव्य का दिख रहा है, दया का दिख रहा है, प्रेम का दिख रहा है, आचार विचार का दिख रहा है, तो आप पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर, पदा रागी ना हो, तो हाँ पदा रागी नहीं हो सकता, पद से राग हो ही नहीं सकता ना, जैसे ही पद से अनुराग हुआ आप हृदयंगम हो गए। यही देखिए आप, जिन लोगों ने पद के प्रति अनुराग किया है उनके जीवन में केवल समर्पण त्याग ही रहा है। भरत के, देखिए भरत के काल में, राम के काल में तो लोकतंत्र का सूत्रपात हुआ, लोग ऐसा कहते हैं। लोकतंत्र का सूत्रपात तो भरत के काल में हुआ, क्योंकि भरत ने वो पादुका केवल सिंहासन में नहीं रखी थी, प्रत्येक हृदय में पादुका थी, प्रत्येक जनमानस में वो पादुका थी। और पादुका का अर्थ ही होता है सेवा, सेवा, सेवा का जो मूल है वो पद है, पद है, प्रभु पद, रति रस वेद बखाना। तो वेद तो यही कहता है कि जितने लोग भी संसार में भौतिक पद प्राप्त करते हैं बहुत अच्छी बात है, पद कुर्सी नहीं है, पद अधिकार नहीं है, पद केवल कर्तव्य और सेवा है। ठीक, तो यदि आपके अंतर चित्त में, क्योंकि रामराज से ही पद की स्थापना हुई है, आप देखिए यही प्रसंग, अभी मुझे किसी, अब एक विचारक का वो देखा था, वैचारिक संक्रमण में पढ़ रहा था कहीं चलते हुए, कि यही प्रश्न जो है संत हनुमान जी से पूछवा देते हैं। हनुमान जी रामलला जो है भगवान हनुमान से कहते हैं, जब सब विदा होने लगते हैं, भाई सबको सब दिया तुम्हें क्या दूं, तो हनुमान जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं मुझे जो आपने दिया वो किसी को नहीं दिया, मुझे क्या देंगे। बोले नहीं कुछ तो पद ले लो। तो बोले नहीं 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 नहीं, आपने सबके साथ अन्याय किया है, न्याय में तो मैं ही हूँ। बोले क्यों? बोले आपने विभीषण को लंका का पद दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का पद दिया, पद दिया ना, एक एक पद दिया, लेकिन मेरे हृदय में तो आपके दोनों चरण कमल रहते हैं ना, दोनों पद रहते हैं ना, तो मैं तो यशवान कीर्तिवान, मुझसे कौन अधिक होगा। तो अगर आपने पद की महत्ता समझ ली तो फिर आपकी शौर्य गाथा वीर हनुमान की तरह होगी, जिनके हृदय में राम बसते हैं। बहुत सुंदर बात है। और आप देखिए कि जिनके लिए गंगा स्वयं प्रकट होकर ये कहें कि मेरी धाराओं के बीच से एक अद्भुत योगी गुजर रहा है, नाम है भरत, जो पदानुरागी है, जिसके हृदय में भगवान के दोनों चरण हैं, और वो मांगता भी है, पहले तो तुरंत मना करता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी की आवश्यकता नहीं, मैं तो संसार का वीतरागी हूँ, लेकिन फिर ठिठकता, अरे रे 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 रे, कहीं चूक ना हो जाए, कहीं चूक ना हो, मेरे भैया मेरे भगवान, उनका स्नेह तो जन्म जन्मांतर तक मिलता रहे तो मैया से ये मांग लेता हूँ। और फिर वो अपनी निष्काम कामना को मैया के समक्ष प्रकट करते हैं, और मैया भी ठगी सी देखती रहती है, वाह रे भरत, युग युगों तक तेरा नाम अमर रहेगा पुत्र, कि तेरे मन का भाव भी यही है कि मैं अपने भगवान रूपी भ्राता बड़े भाई के हृदय में, उनके जो चरण हैं मेरे हृदय में हमेशा विद्यमान रहे। जी शरद जी, एक बात और ध्यान रखिए, जी जो पदानुरागी होता है ना, उसको ये संसार के पद में ऐसा बैठा नहीं दिखता, वो जहाँ रहता है ना, वहाँ चक्रवर्ती सम्राट की तरह रहता है, जहाँ रहता है, क्योंकि वो पद ग्रहण कर लिया है ना। तुकाराम पदानुरागी, शबरी पदानुरागी है, मीरा पदानुरागी है, तुलसी पदानुरागी है, वशिष्ठ पदानुरागी है, व्यास पदानुरागी है, प्रहलाद पदानुरागी है। अरे प्रहलाद के हृदय में परमात्मा ने अपना स्थान ग्रहण किया, आपको मालूम प्रहलाद ने इस संसार में प्रहलाद ने 66 करोड़ 37 लाख वर्ष तक के 60 करोड़ 37 लाख वर्ष तक शासन किया जी इस संसार में। क्यों? क्योंकि जो पदानुरागी हो गया है उसके लिए समय भी इस स्वरूप में हो जाता है कि एक पल का समय भी लाखों जन्म के बराबर हो जाता है। तो आप तो ये मान के चलिए कि अगर आप पदानुरागी हैं तो आपको अंग्रेजी के पोस्ट की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पोस्ट का मतलब होता है प्रेषित कर देना, डाक को कहते थे पोस्ट कर देना। तो आप यदि पोस्ट चाहते हैं तो आप प्रेषित होते रहेंगे यहाँ से वहाँ, लेकिन अगर आप पद चाहते हैं तो अनुराग लाइए, आप पदानुराग लाइए। और आपकी इस बात से मुझे ये भी ध्यान आया कि ये ऐसा अनुराग है पद रूपी, जहाँ आप चाहते हैं कि प्रभु अपने समग्र स्वरूप में आपके हृदय में विराजे, तो फिर पायो जी मैंने राम रतन धन, वही है, वही धनपति हो जाते हैं। अब आप समझ गए जी,
तुकाराम को, संत तुकाराम जी को अकबर बादशाह ने, या उस काल में जो भी बादशाह रहे होंगे, मैं विस्मृत हो गया हूं, तो ये सत्य है कि उनको राजा ने पालकी भेजी। सुना नाम कि अरे परम अनुरागी हैं, परम भक्त हैं तुकाराम जी के यहाँ। तुकाराम जी उस समय मिट्टी के बर्तन बना रहे थे और प्रत्येक मिट्टी के बर्तन में परमात्मा की अनुभूति करते जा रहे थे। पांडुरंग बोल करके वो अपना काम कर रहे थे। वो आए, आने के बाद में उनसे उन्होंने कहा कि साहब राजा ने पालकी भेजी, आपको सम्मान दिया है, आपको बुलाया है अपने यहाँ। जैसे ही उन्होंने सुना है, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो दौड़ के अंदर गए, एक मिट्टी के ठाकुर जी वहां रखे हुए थे, उनके चरणों में गिर पड़े पांडुरंग के। बोले मुझसे कितना अपराध हो गया, मैं कितना बड़ा पापी हो गया, जाणू ना अंतरता टल सील कर कर, मुझे लागली ये खोड़ी पांडुरंग बहु खोड़ी, तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी ठाकुर जी, ऐसा क्या कर दिया मैंने अपराध जो तुम मुझे ये भेज रहे हो, ये पद भेज रहे हो जो राग का है, ये है पद अनुराग। आज तो आनंद ही आ गया, क्योंकि ऐसी व्याख्या, ओहो, पदानुरागी। और हमारा अनुराग क्या है, हम तो पद के रागी हैं। ठीक है, हमारी दृष्टि संसार में, कलिकाल में, कलयुग में आसक्ति से संचालित बहुत अधिक होती है, लेकिन क्या उस आनंद को आपने अनुभव किया है जो भरत जी के मन में रहा होगा, जो संत तुकाराम जी के मन में रहा होगा? कितनी दौड़कर अपने ठाकुर जी से शिकायत कर रहे हैं कि मेरा इतना अपमान, मेरी पूजा विधान में, आपके समर्पण में क्या कमी रह गई कि एक राजा पालकी भेज रहा है? ये अद्भुत बात है। और पदानुरागी होने का मतलब है संवेदना, समर्पण। और भरत और राम के संदर्भ में तो ये बहुत गहरे अनुराग का, भ्रातृत्व भाव का प्रतीक है। शरद जी, मैं जी, एक जी, शब्द और कहना चाहूंगा। जी जी, ये लोकाचार में अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। जी, जब भी आप पोस्ट की लालसा रखते हैं, लोकेशन है आपके पास पोस्ट की, तब आप पदच्युत होते हैं। लेकिन जब आप सेवा की भावना रखते हैं, तब आप पदारूढ़ होते हैं। ये तो गजब की बात है साहब, कि जब आप पोस्ट यानी पद की आकांक्षा रखते हैं, तो कई बार ऐसा होता है, हमने भी देखा है, हमारी स्वयं की इच्छा होती है कि इस पद पर आसीन होते तो नहीं मिलता है। और हम में से अधिकांश इस जगत में अत्यंत दुखी लोगों को जो मैंने पाया है, मैंने इसी रूप में पाया है कि उनके पास पद नहीं है। वो कहते हैं सब कुछ है, धन है, वैभव है, समृद्धि है, लेकिन पद नहीं है। अब ये कौन सा पद है? ये ऐसा पद है जहाँ से पदच्युत होना आपका, उस पद से हटना आपका, या वो पद का न मिलना पहले ही तय हो जाता है। और एक ऐसा पद है जो अनुराग से भरा हुआ है, समर्पण से भरा है। जिस भी क्षेत्र में हैं आप, वहाँ सेवा और कार्य की, मानवीय संवेदनाओं से भरे कार्य की उत्तम श्रेणी की तरफ आपको ले जाता है, वहाँ हमारा अनुराग ही नहीं है। क्योंकि हमारा राग पद रूपी एक ऐसी ठोस वस्तु से है, जहाँ से हमारा फिसल कर गिरना, या हमारा हटा दिया जाना, या स्वयं हट जाना सुनिश्चित है। और यही हमारा कारण है कि हमारे स्मृति बोध में हमेशा पीड़ा भरी रहती है, पद पर आसीन रहने पर भी और पद से हटने के बाद भी। लेकिन हनुमान या संत तुकाराम या भरत ऐसे वीतरागी और ऐसे अद्भुत तपस्वी पुरुष हैं कि जिन्हें कोई उनके पद से कभी नहीं हटा सकता है, क्योंकि उनका पद जो है वो पद नहीं है जो आपका हमारा पद की अभिलाषा है। वो तो दद्दा की उस कविता की तरह है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तू फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जहाँ जाएं हमारे वीर अनेक। तो ये निष्काम भावना है जो पदानुरागी है। आप और हम इस चिंतन के बाद अपने अपने पदा राग और अनुराग को ज़रूर तौलें कि इसमें कितना राग है और कितना अनुराग है। आनंद आ गया आज की चर्चा, प्रणाम करता हूँ आपको। अगले एपिसोड में एक और नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। अनुमति दीजिए।